जी अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब। सर प्रोसीडिंग के हवाले से, जी प्रोसीडिंग के हवाले से एक इशू आपके नोटिस में लाना चाह रहा हूँ। जो प्रोसीडिंग चल रही है अभी, थोड़ी देर पहले बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हुई ख़त्म नबूवत के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तमाम लोगों ने उस पर अपनी राय दी। बड़े अचंभे की बात है कि जो इस ऐवान की कार्रवाई लाइव टेलीकास्ट होती है PTV से, वहाँ जिन साहब ने सबसे पहले, मोहतरम साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने जब इस इशू को उठाया, उनका लाइव नहीं चला। फिर मोहतरम लॉ मिनिस्टर साहब ने जब गुफ्तगू की, उनका लाइव चला। उसके बाद मोहतरम हनीफ अब्बासी भाई ने जब गुफ्तगू की, वो लाइव चला। फिर मैंने बात की, और उसके अलावा गफूर हैदरी साहब ने भी। तो इत्तला ये दी गई है, आप इसको चेक कीजिए। अगर ऐसा है कि ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस ऐवान में बात हो रही है, कोई बाय पार्टीजन बात तो नहीं थी, ना कोई पॉलिटिक्स थी, आप भी वही बात कर रहे थे, हम भी वही बात कर रहे थे, फिर क्यों पटेल साहब चलते हैं और अली मोहम्मद नहीं चलता, या क्यों हनीफ अब्बासी भाई चलते हैं और गफूर हैदरी साहब, मौलाना साहब नहीं चलते? ये प्रिविलेज ब्रीच मेरा नहीं है, PTI का नहीं है, ये प्रिविलेज इस ऐवान का ब्रीच हो रहा है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरम स्पीकर साहब कि अगर ऐसा है इसको चेक कीजिए, अगर ऐसा है तो प्रिविलेज मोशन इस पूरे ऐवान का अपने पास एक्सेप्ट कीजिए। और जो ये लोग कर रहे हैं, क्या MD PTV कर रहे हैं, चेयरमैन PTV कर रहे हैं, या DG NA कर रहे हैं नेशनल असेंबली के, उनको बुलाइए और उनको घर भेजिए, बर्खास्त कीजिए। जनाब शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। यहाँ से हमारी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, मैं उनसे पूछ लूंगा जी।